वसई रोड रेलवे स्टेशन एक जंक्शन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत से लंबे पल्ले की गाड़ी रुककर गांव में जाती हैं, पर यहाँ पर कोई भी सुविधा यात्राओं के लिए या फिर यात्रियों के लिए नहीं है, जिसके लिए आज यह आंदोलन हुआ है। वाही पर बहुजन विकास के पूर्व सांसद बलिराम जाधव ने कहा कि ये रेलवे की हालत है, कुछ सुविधा नहीं है। अगर सरकार जागी नहीं तो हम गाली व पत्थर मार कर उनको जगाएंगे। आज भी देखो यही प्लेटफॉर्म में जाओ पीने के लिए पानी ने, संडास के लिए जाओ वहाँ पानी ने, बाथरूम में जाओ वहाँ पानी ने, बैठने के लिए बाकड़ा नहीं है, शाम को लाइट नहीं है, महिलाओं के लिए पुलिस के संरक्षण नहीं है। हम इतना आबादी आमदनी देते भी हमको कुछ नहीं रेलवे देती। आज हम लोग ने एक छोटा सा निवेदन दिया है यहाँ रेलवे स्टेशन पे, उनको बोला है कि जीएम साहब को वो निवेदन दो, एक निवेदन रेलवे मिनिस्टर प्रभु साहब को दो। अगर इसमें ये रेलवे ये जो निवेदन में ये हमारी शुरुआत है, अगर इस निवेदन से कुछ हुआ नहीं तो आगे हमको विचार करना पड़ेगा। इस पूरे आंदोलन में पालघर, ठाणे, मुंबई व वई तालुका के केरला समाज के लोगों ने भरपूर साथ दिया है। साउथ की तरफ जाने वाली ट्रेनों की भी बहुत तकलीफ देह हालत है। इन सभी सुविधाओं को लेकर बेसीन केरला समाज व पूर्व सांसद और पूर्व मेयर ने वसई स्टेशन मास्टर को पत्र दिया है। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें समय लोकल्स।